सऊदी अरब में मिली 85,000 साल पुरानी मानव की उंगली। हाल ही में सऊदी अरब में एक उंगली का प्राचीन अवशेष मिला है। बताया जा रहा है कि 3.2 सेंटीमीटर लंबी हड्डी का यह अवशेष लगभग 85,000 साल पुराना है। पुरातत्वविदों ने पता लगाया है कि यह खोज अरब प्रायद्वीप पर पाए जाने वाले पहले और सबसे प्रारंभिक मानवीय जीवाश्मों का अब तक का सबसे पुराना नमूना है। हम आपको बता दें कि यह अनुसंधान इंग्लैंड की यॉर्क यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद रॉबिन इंग्लिस ने किया है। खोजी दल ने यह उंगली काफी मशक्कत के बाद खुदाई में प्राप्त की है। शोधकर्ता बताते हैं कि कुछ साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में 80,000 साल पुराने मानव दांत के अवशेष मिले थे। इसी क्रम को सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिली उंगली की यह हड्डी एक नई दिशा देगी। पुरातत्वविद कहते हैं कि यह उंगली इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक मनुष्य काफी वक्त पहले ही अफ्रीका के बाहर चारों ओर फैल गए थे। हालांकि अब तक इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। बता दें कि इस पुराने इंसानी जीवाश्म को खोजने वाली टीम ने इसकी डीएनए जांच से उम्र का पता लगाया है। साथ ही इस अवशेष के आनुवांशिक गुणों की जांच से यह साफ हो गया है कि आधुनिक मानव करीब 60,000 साल पहले ही अफ्रीका और एशिया से बाहर निकल चुका था।